Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 7.2. The topic in this exercise is section formula. So first of all, we will discuss about section formula. Let us see. This is section formula. Like, हमारे पास यहाँ दो point हैं, एक A है और एक B है. A point है x1 y1 और B point है x2 y2. ये पॉइंट पी जो है इनको सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट सेक्शन है एपी, सेकंड सेक्शन है पीबी और पी पॉइंट है एक्सवाई. और हमने मान लिया है कि ये पॉइंट इनको जो दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उनकी रेशियोज है m1 रेशियो m2. मींस पी पॉइंट एपी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है. तो पी पॉइंट क्या होगा? तो एक्स का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है. इसी तरह से y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. x1 x2 की जगह पर बस y1 y2 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला एंड नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. दो पॉइंट आपको गिवन है बेटा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. ए पॉइंट है -1, 7 और बी पॉइंट है 4, -3 और रेशियो आपको गिवन है 2:3. तो आपको ये वाला पॉइंट बताना है पी एक्स वाई कि ये पॉइंट पी इस लाइन ए बी को जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है? तो ये पहला होता है m1, दूसरा होता है m2, ये होते हैं x1 y1, ये होते हैं x2 y2. ये आपको निकालना है x एंड y. फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो देखिए m1 की वैल्यू है यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू है यहाँ पर 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1 और नीचे m1 प्लस m2 मींस 2 प्लस 3. सो 4 2 हो गया 8 माइनस 3 1 3 अपॉन 5. सो दिस इज 5/5. कट के आंसर कितना आ गया? 1. इसी तरह से आपको y पॉइंट निकालना है m1. m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3, m2 आपके पास है 3 और y1 आपके पास है 7 और नीचे है m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3. सो -6 + 21/5. सो दिस इज कितना आ जाएगा? 15/5. सो 5 से ये कट हो गया, कितना आया? 3. तो x कॉमा y ये जो पॉइंट है आपके पास आ गया 1,3 एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1, 6. ये दो पॉइंट है बेटा -3, 10 और दूसरा है 6, -8. कहता है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन हो गई ए बी और डिवाइड किया गया है पॉइंट पी से. पॉइंट पी है -1, 6 मींस एक्स कोमा वाई. तो आपको रेशियो निकालना है. तो हमने क्या किया, जब भी हमें रेशियो निकालना हो बेटा तो हम उसको मान लेते हैं के रेशियो 1. तो के हो गया m1 और 1 हो गया m2. सो ये आपका रेशियो हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये xy हो गया. हमें निकालनी है के की वैल्यू. के की वैल्यू निकल गई तो के रेशियो 1 मतलब रेशियो निकल जाएगा. तो फॉर्मूला वही है एक्स का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो देखिए x की वैल्यू कितनी है? -1. m1 कितना है? k. और x2 कितना है? 6. और m2 कितना है? 1. x1 कितना है? -3. नीचे है m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1. k प्लस 1 को उस तरफ ले जाइए, -1 इंटू k प्लस 1. यहां पर हो गया 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 3. तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए -k -1 6k -3. सो -k -6k -3 + 1 दिस इज -7k -2. माइनस से माइनस कैंसिल. तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2/7. तो रेशियो था k रेशियो 1 मतलब कि 2/7 रेशियो 1. तो आंसर आ गया 2:7. दिस इज द रेशियो. तो यहां पर हमें y वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें सिर्फ k निकालना था और वो हमारा x वाले फॉर्मूले से ही निकल गया. दैट्स ऑल. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ए बी सी डी.
दिस इज द पैरेललोग्राम, ये वर्टिसेस आपको गिवन है, ए है 1 2, बी है 4y, और सी है x,6, और डी है 3,y, और आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब हम सब जानते हैं ग्रेड 7 में ग्रेड 8 में हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ये डायगनल्स मीट कर दिए, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है, क्योंकि सेम पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो AC का मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा, डायगनल BD के मिड पॉइंट के। तो यही लिखा है हमने, वी नो दैट डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट का मतलब हाफ वे, उसका आधा कर दो। कैसे होगा AC का हाफ कैसे होगा, ये x है और ये 1 है, दोनों के फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उनको प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, वो हाफ हो जाएगा x plus 1/2, यही मैंने यहां पर लिखा है 6 plus 2 by 2। इसी तरह से BD का हाफ करेंगे 4 plus 3 by 2। इसी तरह से अगला पॉइंट y plus 5 upon 2। तो देखिए क्या आ गया, x plus 1/2, 6 plus 2 8/2, 4 plus 3 7/2, एंड y plus 5 upon 2। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल रख दीजिए और सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल। तो फर्स्ट को जब फर्स्ट के इक्वल रखेंगे तो x plus 1/2 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x plus 1 equals to 7, x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से 8/2 is equals to y plus 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 is equals to y plus 5, तो 8 minus 5 is equals to y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें यही निकालना था x एंड y की वैल्यू, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या गिवन है इसके अंदर आपको, एक a पॉइंट गिवन है -2, -2, एक b पॉइंट गिवन है -2, -4। ये दो पॉइंट आपको गिवन है, रेशियो आपको गिवन नहीं है और p पॉइंट भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ये रेशियो आपको गिवन नहीं है और यहाँ पर p पॉइंट भी गिवन नहीं है। अक्सर सभी क्वेश्चन में या तो रेशियो होता था तो हम पॉइंट निकाल लेते थे, पॉइंट होता था तो हम रेशियो निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ a और b पॉइंट आपको गिवन है। लेकिन एक रिलेशन हमें गिवन है ये वाला कि AP is equals to 3/7 AB, तो इसकी हेल्प से हम रेशियो निकालेंगे। कैसे देखते हैं, 7 को उस तरफ ले जाओ, 7 AP is equals to 3 AB, 7 AP 3 as it is, AB के फैक्टर कर दिए, AP plus PB, AB को तोड़ दिया, AP plus PB, 7 AP 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 AP 3 PB। अब इसको उस तरफ ले जाओ, 7 AP minus 3 AP is equals to 3 PB, 7 minus 3 this is 4 AP is equals to 3 PB, 4 से AP upon PB is equals to 3 upon 4। तो आपके पास AP और PB का रेशो कितना आ गया, 3:4। तो देखिए AP and PB इसका रेशो हमने निकाल लिया, that is 3:4। तो अब मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। अब हमारे लिए ये P पॉइंट निकालना बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला हम जानते हैं। तो x का फॉर्मूला m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1 आपके पास है 3, x2 है 2, m2 है 4 और x1 है -2, और नीचे m1 plus m2 means 3 plus 4, this is 6 minus 8 by 7, तो आंसर आ गया -2 by 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो m1 देखिए कितना है बेटा ऊपर 3, और y2 कितना है -4, m2 है 4 और y1 है -2, नीचे m1 plus m2, this is 3 plus 4, so -12 minus 8 by 7, तो कितना आ गया -20 by 7, तो कुल मिलाकर पॉइंट आ गया -2 by 7 एंड -20 by 7, एंड दिस इज द आंसर। फाइन, so I have discussed with you some important questions of exercise 7.2 as well as I have discussed its basics also, and this is your homework. Do exercise 7.2 complete in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye-bye.